Hey everyone, welcome or welcome back to my channel. What's up guys, hope everyone is doing great. Hi, my name is Bhavna and आज की रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं रेड सॉस पास्ता. तो चलिए शुरू करते हैं. कढ़ाई में एक बड़ा चम्मच ऑलिव ऑयल लेंगे. आप चाहे तो कोई भी वेजिटेबल ऑयल ले सकते हैं. ऑयल गरम होने के बाद उसमें 5 से 6 गार्लिक और 4 मीडियम साइज के चॉप प्याज डालेंगे. दोनों को अच्छे से भून लेंगे प्याज का कलर स्लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक. प्याज का कलर स्लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया है. अब हम इसमें डालेंगे 5 से 6 मीडियम साइज के चॉप्ड टमाटर. एक टेबलस्पून नमक आप अपने स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं. 2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च. कलर आने के लिए और ये तीखी भी बिल्कुल नहीं होती है, इसलिए हम यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ लेंगे. अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 10 मिनट के लिए इसे ढक के पका लेंगे. 10 मिनट हो गए हैं, चलिए लिड हटाकर देखते हैं. और यहाँ हमारे टमाटर भी पक के रेडी हैं. फ्लेम कर देंगे ऑफ और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे. ठंडा होने के बाद हम इसे मिक्सर में डालेंगे और ब्लेंड करेंगे. यहाँ हमारी स्मूथ पास्ता ग्रेवी रेडी है, ये देखिए. और यहाँ हम ले रहे हैं येलो कैप्सिकम चॉप्ड, 1 जुकीनी, 4 to 5 बेबी कॉर्न, 4 to 5 मशरूम, 1 रेड कैप्सिकम, 1 ग्रीन कैप्सिकम एंड 1 कप स्वीट कॉर्न. और पिज्जा पास्ता सॉस, आप चाहे तो ब्रोकली भी यूज ले सकते हैं. मेरे पास जो वेजिटेबल्स अवेलेबल थी मैंने वो यूज ली है. और अब हम चलते हैं वेजीज को सौते करने की ओर. कढ़ाई लेंगे, उसमें 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल डालेंगे या वेजिटेबल ऑयल लेंगे. अब हम सारी अपनी वेजिटेबल्स सौते करने के लिए रखेंगे. यहाँ हम सारी वेजिटेबल्स कढ़ाई में डाल दे रहे हैं. सौते देम फॉर 5 मिनट. पांच मिनट हो गए हैं, अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और वेजिटेबल्स को साइड में रख देंगे. अब हम लेंगे एक पैन जिसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल और हमारा रेड सॉस पास्ते का ग्रेवी जो हमने रेडी किया था, अब हम वो पैन में डाल देंगे. इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, 2 टेबलस्पून मिक्स्ड हर्ब्स एंड 1 टेबलस्पून ऑरिगेनो. अच्छे से मिक्स कर लेंगे. अब हम इस पे डालेंगे पिज्जा पास्ता सॉस 3 टेबलस्पून. मैंने यहाँ वीवा का लिया है, आप कोई भी ब्रांड ले सकते हैं. और 4
4 to 5 स्पून केचप, अपना नॉर्मल जो टोमेटो केचप रहता है वो हम यहाँ लेंगे। आप चाहे तो अपने हिसाब से स्वीटनेस ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली आप टोमेटो केचप डाल दीजिए। अब सारी सौते वेजीज हम ग्रेवी में डालेंगे। बॉइल्ड रेडी पास्ता डालेंगे। ये पास्ता हमने पहले ही बॉईल करके साइड में रख लिए थे, तो अब हम इसमें डालेंगे। आई हैव टेकन हाफ पैक ऑफ पास्ता हियर। मिक्स देम वेल और थोड़ा पास्ता को 5 मिनट इसमें पका लेंगे। हमारा पास्ता रेडी हो गया है, तो चलिए सर्व कर लेते हैं गर्मा गर्म पास्ता को। लुक एट दिस यम्मी पास्ता। इसपे गार्निश के लिए थोड़ा चीज डालेंगे। ओके, आई एम हंग्री एंड हैविंग इट नाउ। होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव इट अ थम्स अप, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।